अस्सलाम वालेकुम। क्लास लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने कंप्लीट किया था कि जनरल मेथड्स ऑफ फूड एनालिसिस कौन कौन से हैं, वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज हम अपना नेक्स्ट मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिकल्स का, जिसमें हम आज जो है वो फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग को डिस्कस करने से पहले हम देखेंगे कि ड्रग क्या होती है, ड्रग की प्रॉपर डेफिनेशन। ड्रग्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट अफेक्ट और अल्टर द फिजियोलॉजी व्हेन टेकन इनटू अ लिविंग सिस्टम। ठीक है, ड्रग क्या होती है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ड्रग हम कहते हैं कि कोई भी ऐसी सब्सटेंस जब हम उसको जो है वो लिविंग सिस्टम के अंदर एंटर होती है तो क्या करती है कि कोई भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऐड करती है, या कोई भी जो है वो सिस्टम को अल्टर करके जिस भी पर्पज़ के लिए हम उसको ले रहे हैं वो इफेक्ट को जो है वो जो भी हम जिस भी डिजीज़ के पर्पज़ के लिए हम ले रहे हैं उस डिजीज़ को जो है वो अल्टर करके या ठीक करने में अपना रोल प्ले करती है, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रग्स कहते हैं। ठीक है, ड्रग्स आर केमिकल सब्सटेंसेस दैट अफेक्ट और अल्टर द फिजियोलॉजी। ड्रग्स आर द केमिकल सब्सटेंसेस दैट अल्टर एंड इफेक्ट द सिच एंड दैट अल्टर एंड इफेक्ट द फिजियोलॉजी। When taken into a living system, ठीक है, when taken into a living system means क्या कि कोई भी ऐसी chemical substance जो living system में enter होके physiology को change करती है, modify करती है या हमारी physiology को affect करती है तो वो क्या कहलाती है, ड्रग कहलाती है। बायोलॉजिकली स्पीकिंग ड्रग मोस्टली टारगेट आवर ब्रेन्स एंड स्विच द मूड एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ आवर बॉडीज। अगर मैं जो है वो बायोलॉजिकल टर्म के अंदर कहूँ तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि ड्रग्स कोई ऐसी सब्सटेंस है, कोई ऐसा केमिकल कंपोनेंट है जो बॉडी के अंदर एंटर होता है और बॉडी के अंदर एंटर होकर या तो वो ब्रेन को अगर टारगेट कर रहा है तो ब्रेन को टारगेट करके वो हमारे मूड को स्विच करता है, कोई भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस जो है वो लेके आता है, जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अगर कोई भी प्रॉपरली फंक्शंस नहीं हो रहे तो उनको हम क्या कर सकते हैं, ठीक करने में हमारा अहम रोल प्ले करता है। बेसिकली क्या होती हैं कि जो ड्रग्स होती हैं वो सिंथेटिक ड्रग्स भी हो सकती हैं और नेचुरल ड्रग्स भी हो सकते हैं। सिंथेटिक ड्रग कौन सी होती हैं, ऐसी ड्रग्स जो हम कहते हैं कि लेबॉरटरीज के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर प्रिपेयर की जाती हैं वो सिंथेटिक ड्रग कहलाती हैं, और नेचुरल ड्रग्स ऐसी ड्रग्स हैं जो हम कहते हैं कि नेचुरली जो डिफरेंट हर्बिसाइड्स हैं या नेचुरल जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं अगर हम उनसे जो है वो हमें मिलती हैं, एक्सट्रैक्ट होती हैं, तो वो हमारे पास क्या कहलाती हैं, नेचुरली प्रोडक्ट, नेचुरली ड्रग कहलाती हैं। ड्रग्स को जो है वो क्लासीफाई अगर हम करें तो बेसिकली दो ग्रुप्स के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया जाता है कि जिसके अंदर हम कहते हैं कि एक तो लीगल ड्रग्स और सेकंड वन आता है हमारे पास इलीगल ड्रग्स। ठीक है, लीगल ड्रग्स को हम थेरापीटिक ड्रग्स भी कहते हैं और जो हमारे पास इलीगल ड्रग्स आती हैं उनको हम जो है वो एडिक्टिव ड्रग्स का वर्ड भी आपने सुना होगा वो भी कहते हैं। फर्स्टली हम देखेंगे कि थेरापीटिक ड्रग्स कौन कौन सी होती हैं और उनको जो है वो किस तरह से किस बेस पर क्लासीफाई किया जाता है। ड्रग क्लासीफिकेशन के लिए है जो वो डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें या तो उनके केमिकल नेम की बेस पर या उनकी मॉर्फोलॉजी की बेस पर या फिर उनको जो है अल्फ़ाबेटिकली भी बहुत सारे उनके अंदर सिस्टम्स के अंदर जो है वो अरेंज किया जाता है। तो डिफरेंट वेज हैं ड्रग की क्लासिफिकेशन के। यहाँ पे जो है हम देखेंगे कि कौन से ऐसा मेथड्स है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, ड्रग की क्लासिफिकेशन, जनरल जो क्लासिफिकेशन होती है ड्रग की जाती है। फर्स्टली हम देखते हैं कि थेरापीटिक ड्रग्स हैं क्या। बेसिकली ड्रग्स का मैंने आपको क्या बताया कि हमारे पास क्या होती हैं, सिंथेटिक भी होती हैं और होता है। तो फर्स्टली हम जो देखेंगे वो देखेंगे कि थेरापीटिक ड्रग्स कौन सी हैं जिनको फार्मास्यूटिकल ड्रग्स भी कहते हैं या फिर मैं इन अदर वर्ड कहूँ लीगल ड्रग्स भी कहते हैं। लीगल ड्रग्स मतलब क्या कि ऐसी ड्रग्स जो के ट्रीटमेंट के तौर पे, डायग्नोसिस के तौर पे या डिफरेंट जो डिजीज़ होती हैं उनके एनालिसिस के लिए जो है वो उनके ट्रीटमेंट के लिए जो है वो यूज़ होती हैं वो क्या कहलाती हैं, थेरापीटिक ड्रग्स कहलाते हैं। वेन अ ड्रग इज़ थेरापीटिकली एक्टिव एंड इज़ यूज फॉर द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज इट इज़ कॉल्ड मेडिसिनल, या फिर उसको मेडिसिनल ड्रग भी बल्कि कहते हैं या फिर उसको लीगल ड्रग कहते हैं। ठीक है, वेन अ ड्रग इज़ थेरापीटिकली एक्टिव
फॉर द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, फॉर द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ अ डिजीज देन इट इज कॉल्ड अ मेडिसिनल ड्रग और या फिर लीगल ड्रग या फिर थेरापीटिक, देन इट इज कॉल्ड मेडिसिनल या फिर लीगल ड्रग, ठीक है। तो ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन है। काम कैसे करती हैं, दे टारगेट द माइक्रो मॉलिक्यूल्स इनसाइड द बॉडी एंड जनरेट अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स। काम किस तरह से करती हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर अगर हम कह रहे हैं कि कोई भी प्रॉब्लम जनरेट हुई है, प्रॉपरली काम नहीं करें, प्रॉपरली फंक्शंस नहीं करें, तो उनके ऊपर जो है वो टारगेट करती हैं, उनके जो है वो बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज के अंदर जनरेट करती हैं। एंड देन हम क्या करते हैं कि जो भी हम कह रहे हैं कि अगर प्रॉपरली काम नहीं कर रहे, बॉडी के फंक्शंस नहीं कर रहे, तो उनको जो है वो ट्रीट करती हैं। मोस्ट ऑफ देम इंटरप्ट द नर्वस सिस्टम फॉर द जनरेशन ऑफ प्रॉपर बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, हाउ एवर दे कैन बी टॉक्सिक इन हायर डोजेस एंड जनरली रेफर टू एज लीथल डोज। क्योंकि आपको पता है कि हर एक जो डिजीज़ होती है उसके ट्रीटमेंट के लिए एक स्पेसिफिक डोज होती है, कि अगर स्पेसिफिक डोज को जो यूज़ किया जाएगा देन वो इफेक्टिव होगा। अगर हम उस डोज से जो है वो ज़्यादा अमाउंट में यूज़ करते हैं तो वो यकीनन लीथल डोज होगी, जो क्या करती है तो इफेक्ट करती है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन, जो हमारे पास थेरेप्यूटिक ड्रग्स आती हैं उनकी जो है वो क्लासिफिकेशन, जनरल क्लासिफिकेशन किस तरह से की गई है। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स में हम आ जाते हैं। डिफरेंट वेज हैं, वो वेज हैं जिनके ज़रिए जो है वो ड्रग्स को क्लासीफाई किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम जो सिंपलेस्ट या और जो मोस्ट जनरल मेथड है हम वो यूज देखेंगे कि ड्रग्स को जो है वो किस तरह से क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। सर्टेन क्राइटेरियाज हैं जिनके बेसिस पे जो है वो क्लासीफाई किया जाता है, जिसमें फर्स्ट वन आता है क्लासीफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। फर्स्ट जो क्लासीफिकेशन है वो है क्लासीफिकेशन on the basis of pharmacological effect, ठीक है, मतलब कि क्या फार्माकोलॉजी पे वो क्या इफेक्ट क्रॉस करती है उसकी बेस पे जो है वो इसकी क्लासिफिकेशन कही है। हाउ अ ड्रग मेडिसिन इफेक्ट और इन्फ्लुएंसेस द सेल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज रेफर टू एज द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। कोई भी जो हम मेडिसन लेते हैं, कोई भी ड्रग जो हम लेते हैं, जब वो बॉडी के अंदर एक्ट एंटर होती है तो वह बॉडी के अंदर जो डिफरेंट सेल्स मौजूद हैं या जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करके किस तरह से उसके अंदर जो है वो कोई भी इफेक्ट कॉज करती है, वो इफेक्ट क्या कहलाता है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कहलाता है, ठीक है। ड्रग और मेडिसन इफेक्ट और इन्फ्लुएंस द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ड्रग्स that affect or influence that affects or influence the cells of an organism ठीक है। ऐसी ड्रग्स जो क्या करती हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के सेल्स को इफेक्ट करती हैं, चेंज करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के वो वाली ड्रग्स को उसकी बेस पे जो है वो किस तरह से के कोई भी बॉडी के अंदर एंटर होके किसी भी सेल या किसी भी ऑर्गेनिज्म के को किस तरह से इफेक्ट करती हैं उनको हम जो है वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह से अगर हम यहाँ पे एग्जांपल दें कि जो एनाल्जेसिक जितनी भी जो ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं, पेन को रिड्यूस करती हैं। तो जब भी बॉडी के अंदर एंटर होगी, अगर हमारे लाइक दैट अगर सर में पेन है तो हम पैनाडोल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी के
अंदर जब ड्रग एंटर होकर किसी भी बॉडी के फंक्शंस को या जो भी उसकी जो है वो इन्फ्लुएंस करती है बॉडी के फंक्शंस को या सेल्स को, तो वो क्या कहलाता है, उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट कहलाता है। लाइक एनर्जेटिक जितनी भी हैं वो पेन को रिड्यूस करने में इस्तेमाल होती हैं, जितनी भी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो किस लिए यूज़ होते हैं कि अगर बॉडी के किसी पार्ट पर इन्फ्लेमेशन हुई हुई है तो उस इन्फ्लेमेशन को ख़त्म करने के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। दस ड्रग कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि फार्माकोलॉजी कौन से टाइप का फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट वो कॉज करती हैं उसकी बेस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया कि जो एनर्जेटिक ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं, पेन को रिलीव करने के लिए यूज़ होती हैं। और इसी तरह से जो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, वो इस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं कि कहीं पर अगर बॉडी के किसी पार्ट पर इन्फ्लेमेशन हुई हुई है तो उसको ख़त्म करने के लिए जो है वो इन्फ्लेमेशन हुई है उसको ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आती है वो है ड्रग क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, ड्रग एक्शन की बेसिस पे जो है वो क्लासिफिकेशन की गई है। ड्रग एक्शन मींस क्या कि जब कोई भी ड्रग बॉडी के अंदर एंटर होके किस तरह का वो रिस्पांस जो है वो जनरेट करती है, कौन सा वो पाथवेज जो है वो अडॉप्ट करती है, किस तरह से जाके वो एक्ट करती है, उसकी बेसिस पे जो है वो डिफरेंट ड्रग्स को क्लासीफाई किया गया है। डिफरेंट ड्रग्स एक्ट डिफरेंटली, हमें पता है कि जितनी भी डिफरेंट टाइप्स की ड्रग्स हैं क्योंकि उनके केमिकल स्ट्रक्चर या कंपोजिशन डिफरेंट होती है तो जब वो बॉडी के अंदर एंटर होती है तो वो डिफरेंट वे के अंदर एक्ट करते हैं। किस तरह से कोई भी ड्रग बॉडी के अंदर एंटर होके किस तरह से एक्ट करती है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, उसकी बेसिस पे जो है वो ड्रग को क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट ड्रग्स एक्ट डिफरेंटली, ईच ड्रग हैज़ इट्स ओन वे ऑफ जनरेटिंग अ रिस्पॉन्स कॉल्ड ड्रग एक्शन। ठीक है, डिफरेंट ड्रग्स एक्ट डिफरेंटली, इसका अगर हम बताएं कि डिफरेंट ड्रग्स एक्ट डिफरेंटली each has its own way of generating a response, way of generating rating a response called इट्स एक्शन। ठीक है, कि वो बॉडी के अंदर जाके कौन सा और किस टाइप का रिस्पॉन्स जनरेट करती है जो वो क्या कहलाता है, वो उसका ड्रग एक्शन कहलाता है। ठीक है, ड्रग एक्शन इज मोर स्पेसिफाइड अकॉर्डिंग टू हाउ इट जनरेट अ रिस्पॉन्स। ठीक है, हर एक ड्रग का जो है वो रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है, डिफरेंट वे में एक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, देर आर लॉट्स ऑफ मेडिसन टू ट्रीट हाइपर टेंशन, बट ईच टाइप ऑफ ड्रग हैज़ अ डिफरेंट ड्रग एक्शन। अब आपने हाइपर टेंशन जो कि हम कह सकते हैं कि एक मोस्ट कॉमन बीमारी या एक प्रॉब्लम है, इशू है जो हम कहते हैं कि जनरेट होता है। अब क्या है, हाइपर टेंशन के लिए डिफरेंट वराइटी ऑफ द जो हम मेडिसन कहते हैं कि अवेलेबल हैं। ठीक है, अब वो क्या है कि जो डिफरेंट टैबलेट्स हैं या डिफरेंट ड्रग्स हैं जब वो बॉडी के अंदर एंटर होती हैं तो उनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है या वे ऑफ एक्शन होता है वो क्या होता है, वो डिफरेंट होता है कि डिफरेंट पाथवेज वो अडॉप्ट करती हैं। और डिफरेंट पाथवेज को वो अडॉप्ट करती हैं, वो क्या करती हैं, हाइपरटेंशन को जो है वो रिलीज़ करती हैं। ठीक है, ऑल द हाइपरटेंशन मेडिसिन रिड्यूस द ब्लड प्रेशर बट इन अ डिफरेंट वे। हर एक जो हाइपरटेंशन का हम कह सकते हैं कि फंक्शन उनका एक ही है कि उनका काम क्या है कि हाइपरटेंशन को रिलीज़ करने के लिए उन्हें जो हमारे हार्ट के ऊपर जो प्रेशर जनरेट हुआ है जिसको हम अगर ब्लड प्रेशर कहें तो ब्लड प्रेशर को अगर उसने रिड्यूस करना है, कम करना है, तो मेन मकसद मेन काम जो है वो तमाम हाइपरटेंशन की मेडिसिन का एक ही है। लेकिन किस तरह से जो है वो ब्लड प्रेशर को वो कंट्रोल करती हैं, रिड्यूस करती हैं, कैसे वो हैंडल करती हैं, उसका वो पाथवे जो वो डिफरेंटली अडॉप्ट करती हैं। ठीक है, तो जो डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन होता है उसकी बेसिस पे जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो हम क्लासिफिकेशन हमारी क्या कहलाती है कि ड्रग एक्शन की बेसिस पे जो है वो क्लासिफिकेशन की गई है। अब लाइक अगर मैं एग्जांपल दूं कि हाइपरटेंशन के लिए जो हम मेडिसिन यूज़ करते हैं तो जिसमें अल्फ़ा बीटा ब्लॉकर है और बीटा ब्लॉकर है, अल्फा बीटा ब्लॉकर के अंदर लेबिटोलॉल है और बीटा ब्लॉकर के अंदर एसी बीटोलॉल है। ठीक है, अब ये दोनों की दोनों क्या हैं, डिफरेंट ड्रग्स हैं। ठीक है, लेकिन इनका मेन काम यही है कि इन्होंने क्या करना है, हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में हेल्प करती हैं। लेकिन बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद किस तरह से जो है वो पाथवे, कौन सा पाथवे अडॉप्ट करती हैं, किस तरह से जो है वो अपना एक्शन जनरेट करती हैं,
वो इनका क्या हो सकता है कि हम कह सकते हैं कि ड्रग ऑफ एक्शन जो है वो इनका क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है। तो उस ड्रग ऑफ एक्शन की बेसिस पे कि कौन सी ड्रग बॉडी के अंदर एंटर होके कौन सा टाइप का एक्शन जो है वह किस तरह से पाथवे को या कौन सा पाथवे या कौन सा जो है वो एक्शन जनरेट करती है उसकी बेस पे क्लासिफिकेशन की जाती है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। केमिकल स्ट्रक्चर की बेसिस पे जो है वो क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है डिफरेंट ड्रग्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर। अब क्या है, बहुत सारी जो है, दिस इज़ अ कॉमन क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, जो केमिकल स्ट्रक्चर की बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है सबसे ज़्यादा कॉमन क्लासिफिकेशन है। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि बहुत सारी ऐसी ड्रग्स जिनका एक्शन ड्रग एक्शन जिनका सेम होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिनका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट सेम होता है, उनके अंदर हम कह सकते हैं कि पॉसिबल है कि जो उनका केमिकल स्ट्रक्चर है वो सेम हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि अगर उनके अंदर वेरिएशन है भी तो बहुत ज़्यादा माइन्यूट वेरिएशन होती है। ठीक है, लाइक ब्रांचिंग के लिहाज से वेरिएशन होगी। तो अगर हम केमिकल स्ट्रक्चर की बेसिस पे डिफरेंट ड्रग्स को डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं। दिस इज़ वाई सम ड्रग हैव मोर पोटेंशियल देन अदर, फॉर एग्जाम्पल आल सल्फोनामाइड्स हैव द सेम स्केलेटल स्ट्रक्चर। जिस तरह जितने जो भी सल्फोनामाइड की जो भी ड्रग्स हैं जिनके अंदर सल्फोनामाइड्स मौजूद है, सल्फोनामाइड्स ड्रग्स हैं, उनका जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, सिर्फ माइन्यूट वेरिएशन होती है। तो ऐसी ड्रग्स जितनी भी ड्रग्स के सल्फोनामाइड्स आती हैं उनको क्या करते हैं, जब क्लासीफाई करते हैं तो उनको एक ही सिर्फ केमिकल स्ट्रक्चर की बेसिस पे जो है उनकी क्लासिफिकेशन की जाती है और उनको एक ही ग्रुप के अंदर जो है प्लेस कर देते हो। ठीक है, तो इस तरह का हम क्या कहते हैं कि वो क्लासिफिकेशन जो केमिकल स्ट्रक्चर की बेस पे हम करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट जो हमारे पास आती है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। फोर्थ हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर टारगेट। सिंपल एज आपको क्लियरली पता चल रहा होगा कि बॉडी के अंदर जब कोई भी हम कहते हैं कि ड्रग एंटर होती है तो वो एंटर होने के बाद कौन से टाइप के मैक्रोमॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करके क्या करती है, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करती है। तो उनकी बेसिस पे हम क्या करते हैं, अपनी जो डिफरेंट ड्रग्स हैं उनको क्लासीफाई करते हैं। ड्रग टारगेट्स द मैक्रोमॉलिक्यूल इनसाइड द बॉडी टू जनरेट अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, सच मैक्रोमॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड टारगेट मॉलिक्यूल्स और ड्रग टारगेट्स। ठीक है, वो माइक्रो मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर हम कहते हैं कि स्पेसिफिक ड्रग जाके इंटरेक्ट करती है, कोई भी बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करती है, तो वो मॉलिक्यूल्स जिनके ऊपर ड्रग टारगेट करेगी वो टारगेट मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं या ड्रग टारगेट्स कहलाते हैं कि जिनके ऊपर ड्रग ने जाके इंटरेक्ट करना है। ड्रग दैट हैव द सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विल हैव द सेम टारगेट्स। तो ऐसी ड्रग जिनका हमने कहा कि सेम एक्शन होता है, जैसे हमने कहा कि हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए वो क्या करती है, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करते हैं। तो इट्स मीन हम कहते हैं कि कहाँ पर जाकर टारगेट करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं कि हार्ट के साथ जो है वो इंटरेक्ट करती हैं। इट्स मीन हम कह सकते हैं कि उनका मोड ऑफ एक्शन सिमिलर हो सकता है, और मोड ऑफ एक्शन सिमिलर है तो इट्स मीन हम कह सकते हैं कि उनका जो टारगेट माइक्रोमॉलिक्यूल है वो भी सेम हो सकता है। या हमने कहा कि ब्लड के अंदर कोई भी कंपोनेंट मौजूद है जिसके साथ उसने इंटरेक्शन करना है, तो उसकी बेस पे हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। दिस बेसिस ऑफ फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इज मोर हेल्पफुल ड्यूरिंग क्लिनिकल ट्रायल्स। ठीक है, क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए जो है वो ये क्लासिफिकेशन मोस्ट कॉमनली यूज़ की जाती है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि अपनी ड्रग की क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ दैट कि वो बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करेगी, किस टाइप का मॉलिक्यूल्स है जिनको वो टारगेट करेगी। ठीक है, ये हमारा थेरेप्यूटिक ड्रग्स का हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एडिक्टिव ड्रग्स या फिर इलीगल ड्रग्स हमारी कौन कौन सी होती हैं और किस तरह से वो इफेक्ट करती हैं और उनकी क्लासिफिकेशन किस तरह से की गई है, या तो हम कह सकते हैं एडिक्टिव ड्रग्स कौन सी होती हैं। अ ड्रग
इज एनी केमिकल सब्सटेंस दैट अल्टर मूड परसेप्शन एंड कॉन्शियस. इफ ड्रग्स कॉज फिजिकल चेंज इन द बॉडी दैट इफेक्ट द वे द बॉडी फंक्शन देन इट इज कॉल्ड एडिक्टिव ड्रग, या फिर हम उसको इलीगल ड्रग भी कहते हैं. ठीक, अगर अ ड्रग इज एनी केमिकल सब्सटेंस that alters mood perception that alters mood perception or consciousness को इफेक्ट करती है, चेंज करती है. और इसके अलावा अगर हम कहें कि और इफ ड्रग कॉज फिजिकल चेंज इन द बॉडी functions that affect the body functions then it is called an addictive ya illegal drug then ya phir illegal drugs bhi kehte hain. theek hai, ये है बेसिकली इलीगल. क्या इफ़ द ड्रग इज़ क्लासिफाइड एज इलीगल दिस मीन्स दैट इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ. डिफरेंट इलीगल ड्रग्स हैव डिफरेंट इफेक्ट्स ऑन पीपल एंड दीज इफेक्ट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी फैक्टर्स. बहुत सारी डिफरेंट एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं जिनके इफेक्ट्स डिफरेंट होते हैं. दिस मेक दम अनप्रिडिक्टेबल एंड डेंजरस स्पेशली फॉर यंग पीपल्स. द ड्रग क्योंकि हम कहते हैं कि एडिक्टिव ड्रग्स जो हैं वो हेल्थ के लिए सूटेबल नहीं होती, इफेक्ट करती हैं, और स्पेशली अगर यंगर एज के लोग जो हैं वो उसको यूज़ करते हैं तो इनका इफेक्ट ज़्यादा होता है. बेसिकली जो एडिक्टिव ड्रग होती हैं उनका कितना हद तक किस हद तक इफेक्ट है वो कुछ उसके कुछ मेन फैक्टर्स होते हैं कि कौन सी टाइप की ड्रग जो है वो ली जा रही है, कितनी अमाउंट के अंदर जो है वो कंज्यूम की जा रही है, कितने टाइम के लिए या कितने टाइम के बाद जो है उस ड्रग को कंज्यूम किया जाता है, तो उसका इफेक्ट जो है वो उसके अकॉर्डिंग भी होता है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलीगल ड्रग्स हैं जिनके अंदर अगर हम एग्जाम्पल दें तो जो मैरिजोना है, कोकेन है, हीरोइन है, इसके अलावा मेटा एम्फिटामीन है, हेलोसिनोजन्स हैं, ये सारी, ये अल्कोहल है, ओपियोड है, ये सारी की सारी क्या आती हैं हमारे पास एडिक्टिव ड्रग्स के अंदर आती हैं. ठीक है, इनको जो है वो बारबिट्यूरेट्स है, इसके अलावा मॉर्फिन है, ये सारी की सारी क्या आती हैं हमारे पास एडिक्टिव ड्रग्स की एग्जांपल्स में आते हैं. ड्रग्स की क्लासिफिकेशन जो है वो हमने एक तो हमने जनरली क्लासिफिकेशन देख ली, इसके अलावा भी मज़ीद जो है वो ड्रग की क्लासिफिकेशन की गई है. कौन कौन सी ड्रग्स क्लासिफिकेशन की गई है एडिक्टिव ड्रग की, अगर हम क्लासिफिकेशन का देखें तो वो है क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स. ठीक है, इसमें ही बल्कि हम देख लेते हैं इसका. बेसिकली हम एडिक्टिव ड्रग्स की देख रहे हैं तो इसमें फर्स्ट वन आ जाती है वो है डिप्रेसेंट. ठीक है, डिप्रेसेंट बेसिकली क्या होते हैं, आर द ड्रग्स दैट स्लो डाउन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द मैसेज दैट गो बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी. डिप्रेसेंट जैसे कि वर्ड ही यही शो कर रहा है कि ऐसी जो है वो ड्रग्स जो क्या करते हैं हमारी जो बॉडी के फंक्शंस होते हैं उनको डिप्रेस्ड कर देती हैं तो वो डिप्रेसेंट कहलाते हैं. बेसिकली इनका क्या होता है कि हमारे नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करती हैं, हमारे नर्वस सिस्टम की फंक्शन को जो है स्लो डाउन करती हैं. जो भी नर्व्स इंपल्सेस जनरेट होती हैं बॉडी से ब्रेन की तरफ जाना होते हैं उनको स्लो डाउन कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाते. दिस ड्रग्स डिक्रीज पीपल्स कॉन्सेंट्रेशन एंड स्लो डाउन देयर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड. डिफरेंट पीपल्स की जो है वो कॉन्सेंट्रेशन को और उनका जो रिस्पॉन्स टाइम होता है, रिस्पॉन्स रेट होता है, उसको इफेक्ट करती हैं. द नेम डिप्रेशन सजेस्ट दैट थ्री ड्रग्स दीज ड्रग्स कैन मेक अ पर्सन फील डिप्रेस बट दिस इज नॉट एलवेज द केस. द टर्म डिप्रेशन प्योरली रेफर
टू द इफेक्ट स्लोइंग डाउन, मतलब डिप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि क्या करते, डिप्रेसेंट का मतलब ये नहीं है कि डिप्रेस्ड कर देती है, बल्कि डिप्रेशन का मतलब यह है कि बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उनके जो रेट होता है उसको डिप्रेस कर देती है, उनको स्लो रेट कर देती है, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ अगर डिप्रेशन की कुछ मैं एग्जाम्पल बताऊँ तो उसके अंदर आ जाता है अल्कोहल है या फिर बारब्यूटेट्स वगैरह हैं, ये सारी के सारी क्या होती हैं, डिप्रेशन ड्रग्स के अंदर आती हैं। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन के अंदर आता है वो है स्टिमुलेंट्स, ठीक है। स्टिमुलेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, जिनको हम साइको स्टिमुलेंट्स भी कहते हैं इनको, आर ड्रग दैट स्टिमुलेट द, हमने डिप्रेशन का क्या कहा था कि जो डिप्रेस कर देती है, लेकिन स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, जो नर्वस सिस्टम को जो है वो स्टिमुलेट कर देते हैं, यानी कि स्पीड अप कर देते हैं, और जो मैसेज जो है वो ब्रेन से बॉडी की तरफ जा रहा होता है या बॉडी से ब्रेन की तरफ जा रहा होता है उसको जो है वो फास्ट कर देते हैं। दिस ड्रग्स टिपिकली इंक्रीज इनर्जी, हार्ट रेट एंड एपिटाइट। सम एग्जाम्पल ऑफ साइको स्टिमुलेंट्स इंक्लूड मेटा एम्फिटामिन है, कोकेन है, कैफीन है, निकोटीन है, ये सारी की सारी जो है वो क्या है, स्टिमुलेंट्स हैं, जो क्या करती हैं कि हमारे जो नर्वस सिस्टम होता है इसको इफेक्ट करती हैं, उसकी जो क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जो स्पीड है या स्पीड ऑफ द मैसेज बिटवीन द बॉडी से ब्रेन की तरफ जो भी मैसेजेस जा रहे होते हैं उनको स्पीड अप करती हैं। नेक्स्ट आता है वो है हेलोसिनोजन्स, हेलोसिनोजेंस बेसिकली क्या है, आर द ड्रग्स विच टिपिकली अल्टर हाउ अ पर्सन परसीव द वर्ल्ड, जो क्या करती हैं कि जो भी पर्सन है उसकी परसेप्शन को इफेक्ट करती हैं। दिस ड्रग कैन चेंज द वे अ पर्सन सी, हेयर, टेस्ट, स्मेल्स और फील डिफरेंट थिंग्स इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस थिंग्स दैट आर नॉट देयर एट ऑल। हेलोसिनोजन का इफेक्ट ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि जब कोई भी पर्सन अगर हेलोसिनोजेंस को जो है वो यूज़ कर रहा है तो उसका इफेक्ट ब्रेन के ऊपर इतना ज़्यादा होता है कि उसको ऐसी चीज़ें भी नज़र आती हैं जो कि हम कहते हैं कि कोई दूसरा पर्सन नहीं, मतलब कि जो जिनका कोई वजूद नहीं होता, जो एग्जिस्ट नहीं करती। लाइक अगर हम कहते हैं कि कोई भी पर्सन ऐसा है जो हेलोसिनोजेंस कंज्यूम करता है, अगर वो बैठा हुआ है तो उसको सामने कोई ऐसा पर्सन नज़र आ रहा होगा जिससे वो बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में जो है वो पर्सन एग्जिस्ट नहीं करता। तो बेसिकली क्या है कि ये उनकी जो परसेप्शन है या जो उनका हेयरिंग है, मतलब इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि उनके ब्रेन का जो भी सिस्टम या नर्वस सिस्टम है ये उसको भी इफेक्ट करती है। सम एग्जांपल ऑफ हेलोसिनोजन इंक्लूड केटामीन है, मैजिक मशरूम्स हैं जिनके अंदर हेलोजेंस पाई जाती है, हेलोसिनोजेंस पाई जाती है, जिनको वो यूज़ करते हैं, ठीक है। नारकोटिक्स हैं इसके अलावा, नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आती है नारकोटिक्स, नारकोटिक्स में बहुत सारी ऐसी भी हैं जिनको हम क्या करते हैं, नो डाउट मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी यूज़ करते हैं, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर या एक लिमिटेड कॉन्सेंट्रेशन है, डोज है जो कि अलाउड है, लेकिन अगर उस डोज से ज़्यादा या ज़्यादा टाइम के लिए इसको कंज्यूम किया जाए तो इसके भी क्या होते हैं, अनप्रेजेंट इफेक्ट होते हैं। ड्रग्स आर मेडिकली डिफाइंड एज सेंट्रल नर्वस डिप्रेसेंट विद एनाल्जेसिक एंड सेडेटिव ड्रग्स, इनको जो है मेडिकली भी जो है वो यूज़ किया जाता है। नारकोटिक्स आर ड्रग्स विच रिलीव पेन एंड इंक्लूड स्लीपीनेस, इन मेडिसन दीज ड्रग्स आर एडमिनिस्ट्रेटेड इन मॉडरेशन टू पेशेंट विद मेंटल डिसऑर्डर्स एंड दोज इन सीवियर पेन लाइक। नारकोटिक ड्रग्स आल्सो इंक्लूड इसमें कोकेन, हेरोइन, मैरिजोना आती है, ठीक है। और लेकिन ये जो है वो नारकोटिक्स ड्रग जो है वो काफ़ी हद तक डेंजरस भी हैं क्योंकि ये इफेक्ट करती हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आती है एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटी साइकोटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट एंटी डिप्रेसेंट, एक हमने डिप्रेशन देख लिया, मीन्स ये इसके ऑपोजिट काम करती हैं, और लास्ट वन है हमारे पास एंटी साइकोटिक्स, एंटी ठीक है। एंटी डिप्रेशन ड्रग्स आर डिवेलप इन रिसेंट ईयर टू इम्प्रूव मॉडर्न मूड इन डिप्रेस्ड पेशेंट, डिप्रेस्ड पेशेंट्स के मूड को इम्प्रूव करने के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि ब्रेन का जो सिस्टम है उसको जो है वो स्पीड अप करने के लिए जो है वो यूज़ होती हैं। इसके अलावा ये जो है वो एनजाइटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर या क्रॉनिक पेन्स, इस तरह की जो चीज़ें उनको भी डील करने के लिए, ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। एंटी साइकोटिक आर आल्सो रेफर्ड एज मेजर ट्रांकुलाइजर, ट्रांकुलाइजर भी इनको कहा जाता है। बेसिकली ट्रांकुलाइजर कौन सी होती हैं, वो होती हैं जो क्या करती हैं, स्ट्रेस और टेंशन को रिड्यूस करती हैं, और इनको न्यूरोलिप्टिक्स भी कहा जाता है, जो कि क्या करती हैं, हम कहते हैं कि ब्रेन्स के ऊपर से जो भी टेंशन है, नर्वस सिस्टम की टेंशन वगैरह को रिमूव करने, ट्रीट करने के लिए यूज़ होते हैं। दिस टाइप ऑफ ड्रग्स हार्डली यूज नॉन मेडिकली एज दे हैव
अनप्लीजेंट साइड इफेक्ट्स, लेकिन एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स का जो है वो बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट इफेक्ट होता है, तो इसी वजह से जो है वो इनको यूज़ करना जो है वो इनका बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि हम कहते हैं कि बहुत सारे साइड इफेक्ट्स जो है वो एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स जो है वो कॉज करते हैं। तो ये हमने आज की जनरल क्लासिफिकेशन देख ली, जिसमें हमने जो है वो मेडिसिनल ड्रग या जितनी भी लीगल ड्रग्स हैं उनकी जनरल क्लासिफिकेशन देख ली, देन हमने एडिक्टिव ड्रग देखा और उसके अकॉर्डिंगली हमने उसकी क्लासिफिकेशन देखी। हमारा क्लासिफिकेशन का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में न्यू टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।